यूं तो आजकल दुनिया में कोई भी भूतों और प्रेतों पर विश्वास नहीं रखता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि हमारी सोच और समझ से परे भी एक दुनिया होती है जहाँ पर ये भूत प्रेत वगैरह रहते हैं। और अगर कोई इंसान इनके दायरे में या फिर इन्हें कभी परेशान करे तो ये अपना बदला ज़रूर लेते हैं और इंसानों को छोड़ते नहीं हैं। इसी तरह एक ऐसी घटना जितेंद्र के साथ घटी, भूत प्रेत से जुड़ी हुई, जिसके बाद जितेंद्र जो था भूत प्रेत वगैरह पर विश्वास करने लगा था। दरअसल में हुआ यूं जितेंद्र के साथ, जितेंद्र जो था एक हॉस्पिटल में मॉर्ग में काम किया करता था जहाँ पर लाशें वगैरह रहती हैं। जितेंद्र से किसी ने कहा था कि कई बार रात में वो लाशें जिंदा हो जाती हैं, तो जितेंद्र ने उस इंसान से कहा कि वो इस तरीके की बातों में विश्वास नहीं रखता है, इसीलिए उसे डराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो जितेंद्र था वो काफ़ी आराम से उस मॉर्ग में काम किया करता था। रात रात भर वहाँ पर रहने का उसका काम था, उन लाशों को देखने का। लेकिन एक बार हुआ ऐसा कि ये जो हॉस्पिटल के लोग थे उन्होंने जितेंद्र की ड्यूटी जो थी एक पुराने से कब्रिस्तान के बाहर लगा दी। दरअसल में वहाँ पर उस कब्रिस्तान के बाहर एक छोटा सा मकान था, तो देर रात जो था जितेंद्र को उस मकान में रहना होता था और ये ध्यान रखना होता था कि भाई जो वो जो कब्रिस्तान है वहाँ पर कोई भी देर रात आए जाए ना। और साथ ही जितेंद्र को भी इस बात के लिए मना किया गया था कि वो भी देर रात उस कब्रिस्तान से ना गुजरे। जितेंद्र से अलावा अगर कोई और इंसान होता तो शायद वो इस जो ड्यूटी है उसको, जो काम है उसको मना कर देता, लेकिन जितेंद्र को जैसे कि भूत प्रेत में विश्वास ही नहीं था तो वो बड़े आराम से उन हॉस्पिटल वालों की बात को जो मान जाता है। उसे थोड़ा अजीब लगा कि भाई इन लोगों ने मेरी ये जो ड्यूटी है ये यहाँ पर क्यों लगाई है। लेकिन फिर क्या था कि पैसों के चक्कर में जितेंद्र जो था मान जाता है। यहाँ पर जितेंद्र के साथ एक और काम करने वाला था तो उसकी भी ड्यूटी वहीं पर लगाई गई थी। लेकिन एक रात हुआ ऐसा कि ये जो जितेंद्र था ये अपने टाइम से वहाँ पर पहुँच गया उस कब्रिस्तान के वहाँ पर जो मकान था। तो वो उस मकान में आराम से रात में रहते थे, वहाँ पे सारी सहूलियत वगैरह सब कुछ थी। तो यहाँ पर रात के कुछ 8 बजे होंगे जो कि उनका टाइम था कि इतने बजे तक उन्हें वहाँ पर पहुँचना है। तो यहाँ पर ये जो जितेंद्र था ये अपने सहायक को फ़ोन किए जा रहा था कि भाई अभी तक तुम क्यों नहीं आए हो, रात के 9 बजने वाले हैं। तो वो जो उसका सहायक था वो फ़ोन नहीं उठा रहा था उस वक्त। तो यहाँ पर जितेंद्र को लगा कि चलो भाई कोई बात नहीं, शायद आज उसका आने का मन नहीं होगा, तो ऐसा करके अब चलो उसे परेशान नहीं करना चाहिए। तो वो फ़ोन को कट कर देता है। तो यहाँ पर जितेंद्र बड़े ही आराम से उस मकान में अपने बिस्तर पर सो रहा था कि तभी जो है उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। अब ये जो आवाज़ थी ये कुछ ऐसी थी कि जैसे कि कोई चल रहा हो। उस आवाज़ को सुनने के बाद जो है जितेंद्र अपने कमरे की खिड़की से बाहर की ओर झांकता है, तो वो जो कमरे की खिड़की थी उससे साफ तौर पर वो कब्रिस्तान आराम से नज़र आता था। यहाँ पर जितेंद्र ने जब उस खिड़की से देखा तो देखा कि कब्रिस्तान में कोई घूम रहा है। तो उसे लगा कि भाई मुझे जाकर देखना चाहिए कि पता नहीं है कौन इंसान है जो कब्रिस्तान में घूम रहा है। तो ऐसा सोच कर जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलता है तो वो उस कब्रिस्तान में पहुंचा। तो जब वो कब्रिस्तान में पहुंचा तो उसने देखा कि यार यहाँ तो कोई भी नहीं है, और जबकि उसे उस घर से मकान से निकलने में मुश्किल से 2-4 मिनट लगे होंगे। फटाफट से वो जो है दौड़ते हुए कब्रिस्तान में पहुंचा। वो हैरान था कि यार 2-4 मिनट के अंदर ही वो बंदा अचानक से इतने बड़े कब्रिस्तान से कहाँ निकल गया। इसी के साथ जो था जितेंद्र जो था उसे याद आया कि उसका जो मालिक था उस हॉस्पिटल का, उसने कहा था कि किसी भी सूरत में जो है तुम उस कब्रिस्तान के अंदर मत जाना, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ जो होगा उसको तुम रोक नहीं पाओगे और बेमौत मारे जाओगे। तो जितेंद्र जो था इस बात को सोचते ही उसको कपकपी सी चढ़ गई कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई इस कब्रिस्तान में आकर।
यहाँ पर जितेंद्र ने सोचा कि यार गलती तो हो गई है, लेकिन गलती को सुधारते हुए जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। वैसे भी यहाँ कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, तो इतना सोचते हुए जो था जितेंद्र जैसे ही जाने लगा, तो भाई यहाँ पर जितेंद्र को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो, और वो एकदम से घबरा गया। जैसे ही जितेंद्र जो था जब वो नीचे की ओर देखता है, तो उसने देखा कि किसी ने भी उसका पैर नहीं पकड़ा हुआ था, बल्कि कुछ झाड़ियाँ थी जो कि उसके पैर में अटक गई थी। तो वो उन झाड़ियों को जैसे ही निकालने के लिए झुकता है, थोड़ा झुक कर निकाल अपने पैरों से छुड़ाने की कोशिश करता है, तभी जो था उसे महसूस हुआ किसी का हाथ जो है उसके कंधे पर आया है। वो एकदम से झटके से पलट कर देखता है, तो उसने देखा कि भाई दूर दूर तक तो यहाँ कोई भी नहीं है। जितेंद्र थोड़ा परेशान हो गया कि ये जो उसे एहसास हो रहा है किसी के आसपास होने का, और फिर जब वो मुड़ के देखता है तो कोई होता नहीं है, आखिर ये चक्कर क्या है। उसे लगा कि यार जिस इंसान को उसने कब्रिस्तान में देखा था, कहीं वही तो उसके साथ ये सारी हरकतें नहीं कर रहा है, मतलब कि उसको कंधे पर हाथ रख कर गायब हो जाना, या फिर पैर पकड़ कर अचानक से ही गायब हो जाना, वो उसे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। आखिर वो बंदा है कौन और जिसे उसने कब्रिस्तान में देखा था। तभी जो है अचानक से ही आसमान में जोरों से बादल गरजने लगे, तो जितेंद्र ने आसमान की ओर देखा तो उसने सोचा कि भाई अब जो है तूफान उफान बारिश वगैरह कुछ तो आने वाली है। फटाफट से जो है उसने अपने पैरों से वो जो बेल वगैरह अटकी हुई थी उसको हटाया, और वो कब्रिस्तान से जैसे ही निकलता है तभी उसने क्या देखा कि उसका जो मकान था कब्रिस्तान के सामने, उसके अंदर कोई साया जैसा कुछ घुसा है, मतलब काले रंग का कोई था, लंबा सा चौड़ा इंसान, और वो जो है उस घर के अंदर घुसा है। तो इतना देखने के बाद जो था जितेंद्र दौड़ते हुए वो भी घर में उस बंदे के पीछे गया। वो चारों ओर उस घर में इधर उधर उस इंसान को ढूंढने लगा, लेकिन जो था उसे कोई भी अपने घर के अंदर नज़र नहीं आया। और तभी जो है अचानक से ही आसमान में ज़ोरों से बिजली क्या कड़की, और घर की जो सारी लाइट्स थी वो चली गई। अब क्या था कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। तो यहाँ पर जो जितेंद्र था उसे याद आया कि उसके पास एक टॉर्च थी, तो वो जो टॉर्च है लेकिन इस वक्त जो है उसके कमरे में है। अब वो जो हिसाब किताब से किसी तरीके से करते हुए अपने कमरे तक पहुँच गया, अपने कमरे तक पहुँचा और किसी तरीके से लड़खड़ाते हुए इधर से उधर टकरा कर वो जो था कमरे के अंदर एक छोटा सा टेबल था वहाँ तक पहुँचा। और इसी दौरान जो था उसके घुटने में थोड़ी चोट भी लग गई थी, क्योंकि वो शायद दीवार वगैरह किसी चीज़ से टकरा गया था, जिसकी वजह से अब उसे थोड़ा दर्द भी महसूस हो रहा था। लेकिन जो भी था वो उस टेबल तक पहुँच गया और उस पर टॉर्च रखी हुई थी। वो टॉर्च जैसे ही उसने जलाई है, तो भाई उसने क्या देखा कि उसके सामने जो है एक भयानक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ था। वो समझ गया कि ये वही इंसान है जो इतनी देर से उसका पागल बनाने में लगा हुआ है। जितेंद्र ने जब उसकी हाइट वगैरह देखी, उसका चेहरा देखा, वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये किस तरीके का इंसान है, इतना लंबा चौड़ा। उसने आज तक इस तरीके का इंसान कभी नहीं देखा था अपनी ज़िंदगी में। तो जितेंद्र यहाँ पर डर कर थोड़ा सा पीछे हट गया। तो वो जो आदमी था उस टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा इतना भयानक लग रहा था कि मानो कोई देख ले तो उसकी चीख निकल जाए। लेकिन जितेंद्र जो था अपने ऊपर जो था काबू बनाए हुआ था, और वो चुपचाप एक टक उसको देखे जा रहा था, उसके चेहरे को, उस भयानक से रूप को। यहाँ पर जो जितेंद्र था उससे बोला नहीं जा रहा था डर के मारे थोड़ा, तो वो थोड़ा सा ऐसे ही बोलता है उस आदमी को देखकर तुम हो कौन, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। तो इस पर वो जो आदमी था वो अचानक से ही जितेंद्र के पास आकर बोला, एकदम उसके फेस टू फेस उसके सामने चेहरे के उसका गिरेबान पकड़ कर बोलता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो, नहीं तो तुम्हें यहीं मार कर गाड़ दूंगा। तो जितेंद्र जो था उसकी तो हालत टाइट हो गई, वो डर गया और उस आदमी से पूछने लगा कि कैसा काम, आखिर कैसा काम करवाना चाहते हो तुम मुझसे। तो अचानक से ही उसने एक कोने में इशारा किया उस आदमी ने,
तो जितेंद्र ने जब उस तरफ टॉर्च की तो उसने देखा कि एक छोटी सी पोटली वहां पर रखी हुई थी। ये जो पोटली थी ये सफेद रंग की थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि कुछ इतनी बड़ी थी कि लगभग उस पोटली का उसका कुछ 2 से 3 वजन किलो रहा होगा। उस आदमी को देखकर जितेंद्र का जो था डर से हाल बुरा था। तभी जो है वो आदमी अचानक से ही अपनी मुंडी को पीछे की ओर घुमा देता है। इतना देखने के बाद जो था जितेंद्र को जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था ना अब तक, वो समझ गया कि भाई भूत प्रेत तो होते हैं और ये जो मेरे सामने खड़ा है ना इस वक्त, ये कोई भूत प्रेत ही है। लेकिन ये मुझसे इस तरीके के काम क्यों करवाना चाहता है, उसके मन में इस तरीके के सवाल उठने लगे। तो यहाँ पर वो जो आदमी था उसने जितेंद्र से कहा, मैंने सुना था कि तुम्हें भूत प्रेतों से डर नहीं लगता और तुम तो उनमें विश्वास भी नहीं रखते हो, लेकिन अब मुझे देखने के बाद क्या कहते हो तुम। तो यहाँ पर जो जितेंद्र था उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यार इसके इस बात के बारे में मैं अब क्या ही बोलूँ। फिर से जो वो आदमी था जितेंद्र के पास जाकर उसके कान में बोलता है, चुपचाप यहाँ से ये गठरी उठाओ और यहाँ से कुछ दूर पर सीधे सीधे जाओगे तो एक कुआं मिलेगा। उस कुएं में जाकर इस गठरी को कल रात 12 बजे तक डाल देना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना कहने के बाद वो जो आदमी था अचानक से ही धुआं होकर उस कमरे से गायब हो गया। और जैसे ही वो आदमी जब गायब हुआ तो घर की जो रोशनी थी लाइट वो भी आराम से आ गई। जितेंद्र डर के मारे अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसकी जो पूरी रात थी यूं ही निकल गई बैठे बैठे, उसे नींद भी नहीं आई। और फिर वहीं अगले दिन जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसका जो एक दोस्त था रमेश वो वहाँ पर आया हुआ था। तो वो उससे कुछ बातचीत के दौरान जो था जितेंद्र सब कुछ बताता है। तो उसका जो दोस्त था रमेश वो कहता है कि यार तू ही भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था ना, देख अब तू किस मुसीबत में फंस गया है। तो जितेंद्र जो था रमेश से बोलता है कि यार किसी भी हाल में ये गठरी जो है मुझे उस कुएं में ले जाकर डालनी होगी आज रात 12 बजे, तू मेरे साथ चलना। तो इस पर जो उसका दोस्त था पहले तो हिचकिचाता है लेकिन फिर सोचता है कि यार कोई बात नहीं, अपने दोस्त की मदद करने में कोई हर्ज नहीं है और वो इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंसा हुआ है, तो ऐसे वक्त में जो है दोस्त परिवार लोगों के काम आते हैं। यहाँ पर रमेश जो था अपनी दोस्ती के वास्ते जितेंद्र की बात को मान जाता है। अब दोनों के दोनों जो थे डर चुके थे कि भाई रात 12 बजे हमें उस जगह जाना है, उस कुएं पर जाना है और वो जो कुआं था उस कब्रिस्तान वाले रास्ते से कुछ 1.5 घंटे की दूरी पर पड़ता था। और उस रास्ते पर जो था एक भयानक जंगल भी पड़ता था। कहते थे कि उस भयानक जंगल में जंगली जानवर बहुत ज़्यादा है। तो इन्हीं सारी बातों से दोनों दोस्त बड़े ही घबराए हुए थे, लेकिन जो काम अब उनके सर पर आन पड़ा था वो तो करना ही था। तो यहाँ से जो था दोनों दोस्त पहले उस जो कब्रिस्तान है वहाँ पर पहुँचते हैं देर रात, और फिर उसके बाद जो था वो वहाँ से आगे उस कुएं के लिए निकल पड़ते हैं। तो जितेंद्र का जो दोस्त था रमेश उसके पास जो था अपनी एक बाइक थी, तो दोनों उसी बाइक पर बैठकर जा रहे थे। तभी जो है रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो कि रास्ते के बीचों बीच गिरा हुआ था। तो यहाँ पर जो जितेंद्र था वो रमेश से बोलता है, यार कोई बेचारा मुसीबत कमा रहा है, चल बाइक रोक दे यहीं पर, इसको ज़रा उठाकर मदद करते हैं इसकी। फिर जो था रमेश बाइक अपनी रोक देता है रास्ते में। तो ये जो जितेंद्र था वो बाइक से उतरता है और रमेश जो था वो बाइक पर ही बैठा हुआ था। तो जितेंद्र उस आदमी के पास गया तो वो जैसे ही उस आदमी को उठाने लगा तो उस आदमी ने जितेंद्र के कान में बोला, किसी भी हालत में ये गठरी तो तुम्हें ही उस कुएं में डालनी है, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। तो इतना जो था उसको सुनने के बाद जितेंद्र ने उस आदमी का चेहरा देखा, उसने देखा कि ये तो यार वही आदमी है जिसने मुझे काम दिया है ये गठरी को उस कुएं में फेंकने के लिए। वो जैसे ही डर के मारे उसे दूर हटा वो जो आदमी था वो हवा में गायब हो गया। तो इतना देखने के बाद भाई रमेश भी डर गया।
वो जितेंद्र को आवाज़ लगाता है, यार वहाँ क्या कर रहा है, जल्दी यहाँ पर आ। जितेंद्र जो था दौड़ते हुए वापस रमेश के पास पहुँच गया। तो रमेश ने कहा, ये कौन था? तो इस पर जितेंद्र ने बोला कि ये वही था यार जिसने मुझे एक काम दिया है। ये बोल रहा था कि ये जो काम है मुझे अकेले ही करना है, और ये जो गठरी है कुएं में मुझे ही फेंकनी है। तो फिर इसके बाद जो था, रमेश बोलता है, हाँ हाँ चल ठीक है, जल्दी से तू बैठ। तो वो जो गठरी थी, जितेंद्र ने महसूस किया कि पहले तो उसका जो वज़न था वो कुछ 3 किलो था, और अब धीरे धीरे हर कुछ देर में उसका वज़न पहले से बढ़ता जा रहा था। तभी वो जो कुआं था वो आ चुका था। तो ये जो दोनों दोस्त थे वो बाइक से उतरते हैं, बाइक को साइड में रास्ते में साइड में लगा देते हैं। तो कुआं जो था मेन रोड से थोड़ा अंदर चलकर था, मतलब कि सामने ही नज़र आ रहा था, लेकिन कुछ 15 से 20 मिनट की दूरी पर जो रास्ते से साइड में कुछ जंगल था उसके आसपास, तो वो थोड़ा वहाँ पर था। रमेश जो था वो अपने दोस्त से कहता है, चल यार जल्दी से जाकर तू ये पोटली को उस कुएं में डाल दे और इस मुसीबत से पीछा छुड़वा। तो यहाँ पर जो जितेंद्र था उसने कहा, यार ये पोटली हर थोड़ी देर में पहले से ज़्यादा भारी होती जा रही है, मुझसे तो ये उठाई भी नहीं जा रही है। तो जैसे ही रमेश बोल जो था वो उस पोटली को हाथ लगवाता है, तो अचानक से जो था रमेश को एक झटका सा लगता है और वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तो जितेंद्र समझ गया कि ये जो काम है उसे अकेले ही करना होगा। तो ऐसा करके वो किसी तरीके से बड़ी मुश्किलों के साथ खचेड़ते हुए वो जो पोटली थी उसे कुएं तक लेकर पहुंच गया। तो पोटली जो थी पहले से भी ज़्यादा भारी हो गई थी, उसका वज़न निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। तो इसी के बाद जो था, जैसे ही जितेंद्र जो था उस पोटली को उठाने लगा, तो उसका वज़न पहले से इतना ज़्यादा ज़्यादा हो गया था कि उससे वो उठाई नहीं जा रही थी। तो किसी तरीके से जब वो उठाने लगा तो एकदम से लड़खड़ा के गिर गया। तो यहाँ पर जब वो लड़खड़ा के गिरा तो अचानक से ही जो था ज़मीन के अंदर से जो हाथ थे वो उभरने लगे। भयानक डरावने हाथ थे जिनके नाखून लंबे लंबे और काले काले थे। वो जो थे जितेंद्र के पैर को पकड़कर उस पर जो है खुरचने लगे, जिसकी वजह से जितेंद्र को अपने पैर में ज़ोरों से दर्द महसूस होने लगा और उसके पैर में खून भी निकलने लगा था। वो अपने लंबे नुकीले नाखूनों से जितेंद्र के पैर पर घाव बनाए जा रहे थे। यहाँ पर तभी जो है रमेश ने देखा कि कुएं के अंदर से कुछ भयानक से दिखने वाले लोग बाहर आने लगे थे, और वो जो थे शायद जितेंद्र को पकड़ना चाह रहे थे। ये चीज़ जैसे ही रमेश को समझ में आई तो वो फौरन जो है दौड़ते हुए जितेंद्र के पास पहुंचता है और अपने दोस्त को किसी तरीके से उन हाथों से छुड़वाता है। तो जितेंद्र ने बोला, यार ये पोटली उस कुएं में डालनी है। तो रमेश ने कहा, यार तुझे दिखाई नहीं दे रहा, ये भयानक आत्माएं उस कुएं से बाहर निकल रही है, ये सब एक जाल था, ये पोटली वगैरह सब झूठ है, ये तुम्हें मारना चाहते हैं सब मिलकर। जितेंद्र जो था काफ़ी डर चुका था। तो दोनों दोस्त जो थे उस वक्त उस पोटली को वहीं फेंकते हैं और भगवान का नाम लेकर फौरन ही वहाँ से दौड़ पड़ते हैं। तो रमेश जो था फटाफट से अपनी बाइक को स्टार्ट करके जितेंद्र को वहाँ से किसी तरीके से बचाकर वापस घर आ जाता है। तो जब वो घर पहुँचे तो उनकी जो हालत थी, तो उसको देखने के बाद घर परिवार वाले पूछने लगे कि भाई ये सब कैसे हुआ है। तो जितेंद्र जो था वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, वो तो कुछ अपने मुँह से बोल नहीं पाया। तो रमेश जो था वो सब कुछ बता देता है। तो यहाँ पर जो जितेंद्र का परिवार था उसको अगले ही दिन जो था किसी बाबा के पास लेकर पहुँचे। तो वो जो बाबा थे उन्होंने बताया कि ये जिस कब्रिस्तान में काम करता है वहाँ की आत्माओं ने इसे परेशान करने के लिए सब किया है और वो इसकी जान लेना चाहती हैं। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, आज मैं उन सारी आत्माओं का ऐसा इंतज़ाम करूँगा कि वो फिर कभी जितेंद्र को परेशान नहीं करेंगी। और फिर उसी रात जो था वो जो बाबा थे वो जितेंद्र को एक क्रिया विधि में अपने साथ बिठाते हैं, जिसके बाद अचानक से ही वहाँ चारों ओर वही सारी आत्माएं जितेंद्र को दिखाई देने लगती हैं, साथ ही उस आदमी की आत्मा भी।
बाबा ने कहा जितेंद्र से, क्या यही वो हैं जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं? तो जितेंद्र ने भी हाँ में सिर हिला दिया। फिर उन बाबा ने न जाने क्या मंत्र उच्चारण किए, जिसके बाद वो आत्माएं ज्योति अचानक से ही गायब हो गई। और फिर उन्होंने जितेंद्र से कहा, बच्चा अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज के बाद ज़िंदगी में वो आत्माएं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेंगी, लेकिन हाँ तुम भी अब फिर कभी उस कब्रिस्तान की ओर नहीं जाओगे, नहीं तो आगे तुम्हारे साथ क्या होगा इसका तो भगवान ही मालिक है। जितेंद्र ने बाबा के हाथ जोड़े और बोला, बाबा जैसा आप कह रहे हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा, आज के बाद फिर कभी उस कब्रिस्तान की ओर देखूँगा तक नहीं।